आईएनएलडी नेता नफीस सिंह राठी की हत्या। फायरिंग में आईएनएलडी नेता नफीस सिंह राठी की मौत। फायरिंग में 3 गार्ड्स घायल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपनी कार में थे जब हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पूर्व विधायक नफीस सिंह फॉर्च्यूनर कार में सवार थे जब कम से कम 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। आइटन कार में सवार होकर कुछ हमलावरों ने उनका पीछा किया और जब नफीस सिंह की गाड़ी बराही फाटक के पास पहुंची, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। हमले के बाद नफीस सिंह और उनके घायल सुरक्षा कर्मियों को ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि 4 घायलों को अस्पताल में लाया गया था। घायलों में 2 लोगों का खून काफी ज्यादा बह गया था और उनकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। 2 घायलों का आईसीयू में इलाज चल रहा है। उनके कंधे और जांघों पर गोलियां लगी है। मरने वालों में पूर्व विधायक नफीस सिंह और उनके सुरक्षा कर्मी जय किशन शामिल है। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी CPR किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट ICU में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी। इंडियन नेशनल लोक दल के एक प्रवक्ता ने बताया कि नफीस सिंह राठी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। प्रवक्ता मनदीप ने कहा कि सरकार से उनके लिए सुरक्षा मांगी जा रही थी लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी पर पहले भी छिटपुट हमले हुए थे। झज्जर के SP अर्पित जैन ने बताया कि CIA और STF की टीमें काम कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नफीस सिंह राठी की हत्या मामले की जाँच के लिए 2 DSP के नेतृत्व में जाँच टीम बनाई गयी है। SP अर्पित जैन ने कहा कि हर पहलू से जाँच की जाएगी। कैसे ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी CIA की टीम्स और STF जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए। कोई एक्सपर्ट भी है वहाँ सर? अभी मैं मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको की। हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में है। राठी के भांजे राकेश के बयान पर पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक का भी नाम शामिल है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।